माय डियर फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो दूसरा चैप्टर है जिसके बारे में आप पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर्स दैट हेल्प्ड मगधा इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन 600 BCE। तो आपने यहाँ पर पढ़ रखा है कि उस समय जब 16 महाजनपद डेवलप हुए तो उन 16 महाजनपद में मगध एक पावरफुल एम्पायर के रूप में डेवलप हुआ, तो उसके क्या कारण थे, व्हाट वर द फैक्टर्स। तो फर्स्ट फैक्टर वॉज एग्रीकल्चर माई फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर मीन्स तब का जो मगध है, आज आप उसमें शामिल कर सकते हो असम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ओके। ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा मिनरल रिच है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पर वाटर स्कैसिटी नहीं है, पानी बहुत है, अलग अलग तरीके के रिवर्स हैं, गंगा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और हर वो राज्य पावरफुल होगा जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हाई लेवल पे हो, जहाँ के लोगों को खाने पीने की शॉर्टेज ना हो। दूसरा पॉइंट है आयरन माइंस प्रेजेंट डे झारखंड, टूल्स एंड वेपन्स। आयरन माइंस का मतलब उन माइंस से क्या निकलेगा, उन माइंस से निकलेगा लोहा, और जो वो लोहा निकलेगा, आज का जो झारखंड का एरिया है हाईली मिनरल रिच एरिया है, आपको पता होगा कि पूरे भारत की टोटल जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका 40% अप्रॉक्स अकेले झारखंड में है, एंड ऑन दैट टाइम इट वॉज द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। तो इन आयरन से हम क्या बनाते हैं, इससे हम बनाते हैं टूल्स, टूल्स विच कैन बी यूज इन एग्रीकल्चरल एरिना, एनीवेयर डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स आर मेड। एंड द सेकेंड वन इज वेपन्स, हथियार, तलवार, भाले, तीर, है ना, ये सारी चीजें। तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर उसको खाने पीने के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहा है, दूसरा आयरन माइंस इनको जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां दे रही हैं, लड़ने के लिए हथियार दे रही हैं। ये एक बड़ी पावरफुल चीज है, किसी भी राज्य को चलने के लिए चीजें जरूरी होती हैं। इसके बाद है एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो आर्मी में, मगध एम्पायर की आर्मी में सबसे फ्रंट लाइन में एलिफेंट्स चलते थे। इसके अलावा इनको जंगलों से पकड़ के लाया जाता था, बकायदा इसका पूरा एक डिपार्टमेंट था, और इन एलिफेंट्स का इस्तेमाल पावरफुल कामों में किया जाता था, जैसे जंगल से बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे लाने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। जंगल में अगर सिपाही नॉर्मल जाएंगे तो उनके ऊपर शेर चीते हमला कर सकते थे, तो एलिफेंट इनकी फ्रंट लाइन में चलते थे और सेना का एक बड़ा हिस्सा थे, गज सेना, है ना, दीज आर द इम्पॉर्टेंस। इसके बाद है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गंगा नदी और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज, मतलब गंगा की सहायक नदियाँ, ये कम्युनिकेशन के चीप मीन्स थे, यानी लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन करते थे तो नाव से पानी पानी में दूर तक जा सकते थे, रिस्की नहीं था। लैंड रूट में अगर आप जा रहे हो कहीं पे भी आपके ऊपर डकैती पड़ सकती है, आपको आपकी किलिंग हो सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन रिवर रूट इन कंपैरिजन लैंड रूट काफी सेफ था। बुद्धिस्ट जैन राइटर्स रोट अबाउट द किंग्स पावर एंड देयर पॉलिसीज। केवल ब्राह्मणों ने नहीं लिखा, ब्राह्मण ग्रंथों ने नहीं लिखा इनके बारे में, बल्कि उस समय बुद्धिस्ट और जैन राइटर भी लिखते हैं कि राजा कितने पावरफुल थे और वो अपनी पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करते थे। जैसे कि आपको उदाहरण देता हूं, उसी मगध एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य भी है ना, उसी मगध एम्पायर में सम्राट अशोक भी है, तो अशोक के बारे में बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, तो ये लोग भी लिखते हैं कि राजा की पॉलिसीज कैसी, राजा किस तरह से अपनी पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। और इसके बाद कुछ राजाओं के नाम की एक लिस्ट है, बिम्बिसार है, अजातशत्रु है और महापद्मनंदा है। बिम्बिसार आप जानते हैं मगध एम्पायर में सबसे पहली डायनेस्टी हुई, हर्यक डायनेस्टी, HARYAKA, हर्यक डायनेस्टी, उसका पहला राजा है बिम्बिसार। उसके बाद अगला आता है अजातशत्रु, फिर एक नंद डायनेस्टी हुई, नंद डायनेस्टी का पहला राजा है महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद जो दूसरा राजा आता है वो आता है धननंद। धननंद का नाम आपने सुना होगा, इसका युद्ध एक तरह से फेस टू फेस हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और जब धननंद मर गया तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध एम्पायर का राजा बनता है। तो धननंद के वंश को कहते हैं नंद वंश, और नंद वंश के बाद कौन आ रहा है, मौर्य वंश। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन कौन है, सम्राट अशोक। तो ये तो दो तीन नाम आपकी बुक में दिए हो, आप बढ़ा के भी नाम दे सकते हैं अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो। इसके अलावा हु आर द किंग्स ऑफ मगध एम्पायर, वट एवर द पॉलिसीज दे मेड, दे अप्लाइड देयर पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ देयर मिनिस्टर्स। आज भी ऐसा ही होता है कि प्रधानमंत्री हमारे भारत के मोदी जी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ वो ही कर देते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्टर देखते हैं, डिफेंस किसी के पास है वो देखते हैं, होम मिनिस्टर कोई और है वो देखते हैं, तो द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्टर्स, है ना, काम बटा हुआ था, और उन पॉलिसीज को कैसे अप्लाई करना है, उनकी रूलिंग्स क्या हैं, कितने ऑफिशियल्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा,
ये सब चीजें प्रॉपर डोमिनेंट थी, दिट वॉज ए प्लैंड सिस्टम। इसके ऊपर चाणक्य एक बुक भी लिखता है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, तो नाम से लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र इज ए बुक रिटन ऑन द बेस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की इससे मजबूत किताब आज तक वर्ल्ड हिस्ट्री में पाई नहीं गई। चाणक्य एक बहुत बेहतरीन पॉलिटिशियन था, प्रोफेसर था, जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ये जो जिनका आज हम नाम सुनते हैं, जो कि कई तरह की प्रॉब्लमेटिक इश्यूज पर भी ये यूनिवर्सिटीज़ के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, उस समय तक्षशिला टॉप क्लास की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी थी। आज तो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड रैंकिंग में वो 100 के अंदर है ही नहीं, है ना, लेकिन उस समय तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टडी होती थी, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी थी जो आज के पाकिस्तान में है, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रधान आचार्य चाणक्य था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करके और ये बताया कि अगर एक सही टीचर मिल जाए एक सही स्टूडेंट को तो हिस्ट्री कुछ भी हो सकती है। चाणक्य से हमें इस बात को सीखने की जरूरत है, ही वॉज अ टीचर एंड ही रिमेंड द टीचर। कुछ समय के लिए वो पॉलिटिक्स में आया, लेकिन जब उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रॉपरली एस्टेब्लिश्ड कर दिया उसका, तो फिर उसने टीचिंग का काम संभाल लिया। इससे क्या पता चलता है, जिस देश में टीचर नंबर वन होता है वो देश नंबर वन होता है, और जिस देश में टीचर थर्ड ग्रेड का होता है वो देश भी थर्ड ग्रेड का होता है। अगर आप आज के एजुकेशन सिस्टम में आप जाएंगे तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे। इसके बाद इनके शहर के नाम दे दिए, जैसे मगध की जो पहली कैपिटल थी दैट इज राजगह, इसको राजगृह भी कहते हैं, और एक और नाम है राजगीर। ये एक ही जगह के तीन नाम है। पहले इनकी कैपिटल ये थी, मौर्यों के बाद 400 BCE में दूसरी कैपिटल बनी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा को प्रेजेंट डे पटना कहते हैं, है ना। तो दीज आर द स्पेसिफिक ऑफ द फैक्टर्स विच मेड मगधा एज ए पावरफुल एम्पायर। अब आता है मेंशन आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मणाज अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों के आइडियल ऑक्यूपेशंस क्या थे? आइडियल ऑक्यूपेशंस क्या थे तो देखते हैं, टू टीच, एक ब्राह्मण है तो वो पढ़ाएगा, टू लर्न, खुद सीखेगा, इन्वॉल्व इन रिचुअल्स, यज्ञ परंपराएं और जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उनको करवाएगा, यजना, यज्ञ करवाएगा। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ ब्राह्मणाज अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों में चार वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहां पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो व्यवस्था है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती। मेरे मित्रों के इस बात पर मुझसे शुरू में मतभेद हुए, लेकिन जब मैंने उनको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया तो उनको समझ में आया कि मैं ठीक कह रहा हूं। जैसे ब्राह्मण इज नॉट ए कास्ट, ठीक है, इट्स ए कम्युनिटी। टुडे आई एम अ टीचर एंड द ऑल टीचर कम्युनिटी इज ए ब्राह्मण। डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु आर हेल्पिंग द नेशन इंटेलेक्चुअली, दे ऑल आर ब्राह्मण्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट, क्षत्रियाज, हु आर क्षत्रियाज अकॉर्डिंग टू वर्णा सिस्टम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू वर्णा सिस्टम क्षत्रियाज आर द पीपल हु प्रोटेक्ट देयर सोसाइटी एंड फॉर दैट दे गॉट सम टैक्स। वट यू सी टूडे इन दिस वर्ल्ड, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड एनी काइंड ऑफ पर्सन हु प्रोटेक्ट द सोसाइटी एंड फॉर दैट ही डजंट वर्क एनी अदर थिंग, ही जस्ट प्रोटेक्ट। सपोज पुलिस इज प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड द पुलिस इज बींग गिवन सैलरी, इन द सेम वे आर्मी, नेवी, एटसेट्रा। ओके, फॉर दैट पुलिस इज नॉट गोइंग टू डू अनदर वर्क। पुलिस कोई दूसरा काम नहीं करती, पुलिस केवल सिक्योरिटी का काम करती है और उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है जो गवर्नमेंट देती है, और वो सैलरी हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही आती है। पहले लोग डायरेक्ट ले लेते थे कि भाई हम क्षत्रिय किंग हैं, हम आपकी सिक्योरिटी करते हैं, आप हमें पैसा दीजिए। आज ट्रांसफर हो गया थोड़ा सा, अब ये कहिए कि मैं इस जाति का हूं लेकिन मैं आर्मी में हूं, नहीं, अकॉर्डिंग टू वर्णा सिस्टम इफ यू आर इन आर्मी यू आर ए क्षत्रिय। ओके, एंड द थर्ड वन है वैश्य। व्हाट डू मीन बाय वैश्य? वैश्य मींस बिजनेसमैन, those who are involved in business they all are vaishyas। suppose Dhirubhai Ambani, Ratan Tata, Microsoft, Bill Gates, these kind of people। and vaish mein bhi do category hai, ek bahut paise wale log, ek kam paise wale log। jo thele pe kela bech raha hai wo bhi vaishya hai,
क्योंकि कुछ चोरी तो नहीं कर रहा, काम कर रहा है। और हर जगह पर शूद्रा कैटेगरी पाई जाती है। शूद्रा इज नॉट ए कास्ट, रिमाइंड इट बेटा, इट्स वेरी मच कंफ्यूजन इन द सोसाइटी। शूद्रा इज नॉट ए कास्ट, शूद्रा इज ए कम्युनिटी। सारे किसान या हर वो लोग जो इन तीन कामों के अलावा करते हैं, अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं, अगर आप क्या बोलेंगे सुरक्षा नहीं करते हैं, अगर आप पढ़ते पढ़ाते नहीं है, सोसाइटी को अवेयर नहीं करते हैं, तो फिर आप शूद्र कैटेगरी में आते हैं। तो दैट इज कम्युनिटी। जैसे पॉटर, किसान खेत वो बनाने वाला, बर्तन बनाने वाला है ना, तो वो शूद्र है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वो इन तीन कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दलित हो गया, इस तरह से हो गया। इस तरह से हमारे हिस्ट्री को मिसकम्युनिकेट किया जाता है। और हिस्ट्री की एक अच्छी बात आपको बताता हूं, मैं भी जो कह रहा हूं उसको आप पूरी तरह से मत मानिए, आप उसको एनालाइज करिए अपने पैरामीटर पर, और आप चेक करिए। जैसे जाति व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो जाति व्यवस्था कहां से शुरू होती है, आप इसको पढ़िए, कुछ किताबों के रेफरेंस लीजिए। केवल इंडियन राइटर्स को मत पढ़िए, कुछ फॉरेन राइटर्स, स्पेशली ब्रिटिश राइटर्स को पढ़िए। कारण इंडिया में अगर कोई भी चीज लिखी जाएगी तो उसके दो मत हो जाते हैं, क्या रे तो ये वाले लिख रहे हैं इसलिए ऐसा लिख दिया, वो वाले लिख रहे हैं इसलिए वैसा लिख दिया। आप ब्रिटिश राइटर्स को पढ़िए, जिन्होंने एक नजर से हमारे इंडिया को देखा, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करने आए थे, तो वो उसको बना नहीं सकते सही से, वो जो है जैसा है उसको और बुरा ही करके दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइंट आउट द मेजर सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब यहाँ पे बेटा दो क्वेश्चन पूछे गए। पहला है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया तो उसके मेन मेन कैरेक्टर क्या थे, और दूसरा है कुछ रिसोर्सेज के नाम बताइए जहां से आपको पता चला कि मौर्यों ने ऐसा ऐसा किया। तो पहले हम लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर वन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर, मजबूत एम्पायर थी, स्थायी एम्पायर थी। ऐसा नहीं था कि कल कोई आएगा जीत के मौर्य एम्पायर को खत्म कर देगा और दूसरा शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज ऑन इट्स पीक, चूंकि ये स्टेबल एम्पायर थी तो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई डिस्प्यूट नहीं होना था। भाई राजा बदलता है तो ट्रेड इफेक्ट होता है, सरकारें बदलती हैं तो व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। सरकारें बदलती हैं तो एक सरकार में कुछ खास तरीके के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको बढ़ावा मिलता है, तो दूसरी सरकार में कुछ दूसरे खास तरीके के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको बढ़ावा मिलता है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट होता है। चूंकि ये स्टेबल एम्पायर थी, इसको हटाना इतना आसान नहीं था, इसका एरिया बहुत बड़ा था, इनके पास सेना बहुत बड़ी थी, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग था, तो इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी क्या था, बहुत स्ट्रांग था। और इनके पांच मेजर पॉलिटिकल सेंटर भी थे, और इनको आप इनका एक तरह से कंट्रोलिंग पावर सेंटर भी कह सकते हो। जैसे कि पाटलिपुत्रा तो इनकी मेन कैपिटल थी ही, है ना। इसके बाद पाटलिपुत्रा से लेफ्ट साइड में आप आ जाइए, मध्य प्रदेश में एक जगह है उज्जैनी। उज्जैनी आप जानते हैं, इसको आज उज्जैन कहते हैं। महाकालेश्वर टेम्पल है, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर यहां पर है। फिर आता है सुवर्णागिरी। सुवर्णागिरी साउथ इंडिया में कर्नाटक में है। गिरी माने पर्वत होता है, सुवर्णा माने सोना, यानी सोने का पर्वत, है ना। फिर आता है टैक्सिला। टैक्सिला मैंने भी आपको बताया, टैक्सिला को हिंदी में तक्षशिला कहते हैं, द आचार्य चाणक्य वाज देयर। टैक्सिला हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का आउटर पॉइंट था, अगर भारत में किसी को घुसना है तो टैक्सिला के थ्रू ही इंडिया में घुसता था, चाहे सिकंदर आया चाहे कोई भी आया। फिर आता है तोसली, प्रेजेंट डे कलिंग और उड़ीसा इज कॉल्ड तोसली। ये तोसली कब मौर्यन एम्पायर में शामिल हुआ, जब सम्राट अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा को जीत लिया। अशोक ने जब हमला किया उस समय कलिंग का कोई स्पेसिफिक राजा नहीं था, किसी का डायरेक्ट किसी राजा का नाम नहीं मिलता, बल्कि वहां की कम्युनिटी ने इनसे लड़ाई की थी, इनसे युद्ध किया था। और कहते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कि 261 BCE में हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हथियार छोड़ दिए और बुद्ध धर्म की नीति अपनाई और धम्म को अपना आधार बनाया। अब इसमें भी देखिए, हिस्ट्री में दो मत हैं। एक मत ये कह रहा है कि कलिंग में इतना ज्यादा ब्लडशेड हुआ, इतना ज्यादा रक्तपात हुआ, इसको देख करके अशोक का हृदय लिक्विफाइड हो गया कि मतलब हम क्या सिर्फ मारने के लिए लोगों को आए हैं, क्या मैं हत्यारा हूं। और अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और लोगों में धर्म का संदेश देना, धम्म का संदेश देना शुरू किया। और एक रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन है, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा को बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अशोक एक चालाक राजा था। चालाक इसलिए था कि पहले सबको मारपीट के ठीक करके अपने कंट्रोल में कर लिया और उसके बाद शांति का संदेश दे रहा है कि नहीं, सबको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कंट्रोल दो तरीके से कर सकता था वो अपने एम्पायर पे, या तो अपनी सेना के दम पे करता और या कोई ऐसी पॉलिसी बनाता कि पब्लिक उसकी बात को मान के सरेंडर करके आराम से सुकून से रहने लगती। तो अशोक ने कहा सेना के थ्रू कंट्रोल करेंगे तो खर्चा भी बहुत होगा और हमेशा डर बना रहेगा, लेकिन अगर धम्म को लोग स्वीकार कर लेंगे, अहिंसा को लोग स्वीकार कर लेंगे, तो लोग सुकून से रहना सीख जाएंगे।
हिस्ट्री में क्या मतलब हुआ इसका? हिस्ट्री मतलब यह हुआ कि अहिंसा इज ऑल्सो ए टूल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, कि पहले सबको मारपीट के ठीक कर दो, उसके बाद बोलो कि अहिंसा परमो धर्म, और सबको सिखाओ लोग आपस में लड़े नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर तो पॉलिटिकल अप्रोच होती नहीं कि मैं राजा बनूंगा, है ना। तो इंसान 90% लोग जो है सुकून से जीना चाहते हैं, और जब उनको गवर्नमेंट की तरफ से अहिंसा एक टूल के रूप में मिलती है तो वो उसको प्रचारित करते हैं। अशोक ने भी इसी टूल का सहारा लिया। देन आफ्टर लार्जेस्ट एम्पायर अफगानिस्तान टू उड़ीसा एंड कश्मीर टू फार साउथ। मौर्य एम्पायर हिस्ट्री में एवर एंडिंग एम्पायर थी, इससे बड़े एम्पायर वर्ल्ड लेवल पे कोई खड़ी नहीं कर पाया। अफगानिस्तान से शुरू होती थी और आज के उड़ीसा में आती थी, और कश्मीर से शुरू होकर के थार साउथ में केवल तमिलकम के कुछ क्षेत्र छूटते थे, जिसमें आज का प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, थोड़ा सा एरिया छोड़ दीजिए, बाकी पूरा मौर्य एम्पायर के कंट्रोल में था। इतनी बड़ी एम्पायर कभी अंग्रेज भी नहीं बना पाए। अच्छा, जो इनकी सेना थी, मिलिट्री एक्टिविटीज, मेगास्थनीज, उनके बारे में बताता है कि एक बड़ी कमेटी थी जो सेना को कंट्रोल करती थी, और उस कमेटी में भी 6 सब कमेटीज थी, है ना, जो सेना को कंट्रोल करती थी। दैट वाज द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये कौन बोल रहा है? एक विदेशी राइटर बोल रहा है, मेगास्थनीज, एक इसने किताब भी लिखी जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज यहां पर जब आता है तो यहां की कमेटीज के बारे में बताता है। तो पुराने जमाने में आपने सुना होगा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, तो हाथी घोड़ा दो सेना के फेस हो गए, और पालकी का मतलब रथ समझ लीजिए, रथ, चैरियट, चैरियट, हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड द इन्फेंट्री, पैदल सेना, चार सेना ये हो गई। पांचवी हो गई रसद, फूड सप्लाई, और छठी हो गई उनको मैनेज करने के लिए। तो 6 कमेटीज थी, सब कमेटीज, जिनके थ्रू पूरी सेना पे कंट्रोल रखा जाता था। बुलक कार्ड्स पे सारा सामान, टूल्स, वेपन्स, लोहार सब चलते थे, ताकि रास्ते में सेना को जरूरत पड़े तो नई नई तलवारें बना के दी जा सके। उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता था, हर जगह रहने के लिए वो अभ्यस्त होते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 6 लाख की सेना थी। अगर आज आप कंपेयर कर लीजिए तो आज में भारत की सेना वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, और इसकी संख्या करीब 13 लाख है। सबसे नंबर वन पे चाइना की सेना है, फिर अमेरिका की, फिर इंडिया की। 6 लाख की सेना आज वर्ल्ड के कम से कम 80% देशों के पास नहीं है। एंड दिस इज द ग्रैंड सिस्टम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड इट वॉज एन स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब सेना है तो सिर्फ सेना का काम करेगी, ऐसा नहीं किसान रहेगा जब लड़ाई होगी तो हथियार उठा के मैदान में आ जाएगा, ऐसा नहीं। प्लूटार के एक यूरोपियन राइटर है, उसने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना के साथ पूरे भारत को कुचल डाला। दैट वॉज द स्टेटमेंट बाई ए फॉरेन राइटर, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हिंदुस्तान के राजा के बारे में हम कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन दें। इसके बाद आता अशोका प्रोपगेटेड धम्मा टू होल्ड हिज एम्पायर। जो भी मैंने आपको बताया कि जब अशोक ने पूरा कंट्रोल कर लिया तो उसने धम्म को प्रोपेगेट कर दिया ताकि एम्पायर में सब लोग सुकून से रहें। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम उन सोर्सेस की बात करेंगे जहां से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। तो मौर्यन एम्पायर का सबसे बड़ा सोर्स है अशोक के इंस्क्रिप्शंस, जो उसने पिलर्स पे लिखे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब जान लीजिए, पत्थरों पे या किसी भी चीज पर जब खुदाई करके कुछ लिख दिया जाता है, उकेर करके छेनी हथौड़ी से कुछ लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। तो अशोक ने इनको पिलर्स पे भी लिखा है और रॉक्स पे भी लिखा है और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स पे भी लिखा है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो 272-268 से लेकर के 231 BCE है। इसी के बीच में अशोक के इंस्क्रिप्शंस की डेट डिसाइड की गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, हमें बहुत सारा स्कल्पचर मिला है, बिल्डिंग्स मिली हैं, जैसे पटना जो एरिया है वहां पर कुम्हरहार नाम का गाँव है जो एग्जैक्टली पाटलिपुत्र कहा जाता है, तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं। इसके बाद है मेगास्थनीज के विवरण, जैसे अभी ऊपर एक कैरेक्टर हम बता गया, मेगास्थनीज ने आर्मी के बारे में बहुत अच्छा बताया है, उसकी किताब का नाम इंडिका है, जिससे हमें बहुत सारा डिटेल मिलता है। फिर चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, मैंने बताया था इट इज़ ए बुक ऑफ पॉलिटिक्स, इससे भी हमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसके बाद लेटर बुद्धिस्ट, जैना और पुराणिक लिटरेचर में भी हमें इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द ट्रेड ऑफ 6th century BCE एक्सटेंड इनटू सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका। हमने आपको बताया कि इन लोगों के समय में इंटरनेशनल ट्रेड पीक पर था, तो सेंट्रल एशिया और अफ्रीका तक ये लोग कैसे गए? ये लोग गए हालांकि वेस्ट एशिया में भी, है ना, लेकिन हम दो जगह की बात क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन 600 BCE लैंड एंड रिवर रूट क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इज सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका। क्रिस क्रॉस का मतलब होता सारे रास्ते एक दूसरे को काटते थे, कहीं से कहीं का रास्ता निकल जाता था, तो लैंड और रिवर रूट दोनों डेवलप हुए 600 बीसी में। और लैंड और रिवर रूट डेवलप होने से ये लोग बहुत दूर दूर तक की यात्रा करने में सक्षम थे।
पेडलर्स ऑन फुट बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे। पेडलर्स मतलब पदयात्री, जो पैदल चलने वाले लोग थे, ये भी कारवा बना के दूर दूर की यात्राओं में जाया करते थे। मर्चेंट्स कैसे जाते थे? कारवा और बुलक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स का मतलब होता है जब जानवरों के ऊपर सामान वामान बांध दिया जाता है, खूब सारा होता है, तो उनके बगल में दूसरे लोग चलते रहते हैं, और पैक एनिमल्स के थ्रू, बुलक कार्ट्स के थ्रू मर्चेंट्स ट्रेवल करते रहते हैं अपने सारे सामान के साथ। सी फारर्स वेंचर रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल। बहुत सारे लोगों ने समुद्री यात्राएं की। सी फारर्स मतलब जो समुद्र को खोद निकाले, है ना, तो दूर दूर तक की यात्राएं की सी फारर्स ने। और ये वेंचर, वेंचर माने साहसिक यात्राएं, एडवेंचरस जर्नी। रिस्की भी थी, क्या पता लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, समुद्र में कहीं डूब जाएंगे। और हाईली प्रॉफिटेबल, उन जमीनों पर पहुंच गए जहां किसी ने सोचा नहीं था, तो वहां पर जो सामान यहां से ले गए वो दुगने चौगुने दस गुने दाम पर बिका। वहां से वहां का कुछ सामान लेके आए, उसको यहाँ पे प्रॉफिट लेवल पे बेचा। तो ये यात्राएं रिस्की थी लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल भी थी। सक्सेसफुल मर्चेंट्स वर कॉल्ड मसत्तवान इन तमिल। जो व्यापारी सफल हो गए, खूब पैसा कमाया, अरबों खरबों कमाया, उसको मसत्तवान कहते हैं तमिल लैंग्वेज में, और सेठी और सातवा कहते हैं प्रांत लैंग्वेज में। सेठी से ही वर्ड बना है सेठ, जैसे आज कहते हैं बहुत बड़ा सेठ है ये। दैट सेठ इज केम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सेठी एंड द प्राकृत वर्ड सातवा। अब इसमें ये आंसर आपका यहां पे खत्म हो चुका है, लेकिन अब हम कुछ चीजें ऐसी बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन सिर्फ ये किया था कि हाउ डिड द ट्रेड ऑफ सिक्स सेंचुरी बीसी एक्सटेंड। तो एक्सटेंड की बात इन एक दो तीन चार पांच पॉइंट्स में हो गई। अब हमने यहां पे कुछ एक्सेस जोड़ दिया जो आपके आंसर में नहीं लिखना है। यू मस्ट नो अबाउट दैट कि किन चीजों का हम सप्लाई करते थे। तो साल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो सामान पूरी तरह से तैयार कर दिया जाता है फैक्ट्री में ला करके, स्टोन्स, टिम्बर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स को हम सप्लाई करते थे। सबसे ज्यादा रोमन एम्पायर में अगर किसी चीज की मांग थी तो वो थी स्पाइसेस की, पेपर, ठीक है, और टेक्सटाइल्स और मेडिसिनल प्लांट्स। रोमन एम्पायर के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। रोमन एम्पायर में हमारे यहाँ का जो सिल्क जाता था वो रोमन एम्पायर की जो औरतें थी जो बहुत खूबसूरत होती थी वो उस सिल्क की साड़ियां और सब पहन करके वहां की रोड्स पे निकलती थी, तो रोमन एम्पायर के लोगों को बुरा लगता था कि जो भारत से ये लग्जरी आइटम आ रहा है, ये लग्जरी आइटम हमारी औरतों को कैरेक्टरलेस बना रहा है, एक तरीके से यूं कह सकते हैं, और वो उनके चरित्र का पतन कर रहा है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लगती है उन कपड़ों को पहनने के बाद जो हिंदुस्तान से आता है, और वो अपना देह प्रदर्शन करती है। ये किताबों में लिखा है बेटा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ओके, देह प्रदर्शन करती हैं, इससे लोग इंट्रैक्ट होते हैं और आपराधिक घटनाएं लड़कियों को, लेडीजों को लेकर के बढ़ती हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है, है ना। और पेपर यानी स्पाइसेस का इस्तेमाल क्यों होता था? क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी बड़े लेवल पर थे, और मांस को पेपर यानी काली मिर्च जो होती है इसको पीस करके अगर मांस में लपेट के रख दिया जाए तो कई दिनों तक मांस खराब नहीं होता था, इसलिए रोमन एम्पायर में इनकी बहुत मांग थी हमारे ब्लैक पेपर की। और जब भारत ब्लैक पेपर सप्लाई नहीं कर पाता था तो वो इंडोनेशिया वगैरह से सप्लाई करके ला के हिंदुस्तान में, फिर हिंदुस्तान से यूरोपियन मार्केट में वो माल जाता था मॉडर्न टाइम पे। और अगर आज के हम कल्चर को देखें तो आज हमने जो कुछ वेस्टर्न से लिया है तो कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि रोमन एम्पायर के समय हमने जैसे उन लोगों का डिक्लाइन किया, वैसे ही वो हमारा कल्चरल डिक्लाइन कर रहे हैं धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा करके, है ना। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आप समझ नहीं सकते। ओके बेटा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हाउ डिड इंस्क्रिप्शंस ऑफ मौर्य डायनेस्टी प्रोक्लेम द मैसेज ऑफ अशोकास धम्मा। मौर्य डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इन्होंने अशोक के धम्म के मैसेज को कैसे प्रोक्लेम किया है? उसने वही लिखा जो उसने समझा धम्म के बारे में। ही यूज टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा। कुछ मैसेजेस हैं, वही है, रिस्पेक्ट एल्डर्स। धम्म कहता है कि अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करो। धम्म कहता है ब्राह्मणों की तरफ, और जो लोग पूरी दुनिया को जागृत करते हैं उनके लिए जेनरोसिटी यानी सज्जनता का व्यवहार रखो, दयालुता का व्यवहार रखो, क्योंकि ये तुम्हारे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, स्लेव्स और सर्वेंट्स को प्यार से ट्रीट करो। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन, अपने रिलीजन और ट्रेडिशन की तो कदर करो ही, दूसरे के रिलीजन और ट्रेडिशन की भी कदर करो। दिस इज इंडियन स्टोरी ऑफ धम्मा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी फोर सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्याज, एग्जामिन द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन जो पीछे हम लोगों ने लिखा था वही फिर से हमने रिपीट किया है। अशोकन इंस्क्रिप्शन, टाइम पीरियड, नेचुरल रॉक्स, पॉलिश पिलर्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एंड स्कल्पचर्स, क्योंकि रिसोर्स वही होंगे, मेगास्थनीज, केंडिका, चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य के बेटा तीन नाम है, चाणक्य भी कहते हैं
चूंकि यह ऋषि चाणक्य का पुत्र था, इसको कौटिल्य भी कहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कहती है कि कुटिलों में भी वज्र कुटिल, कुटिल मतलब बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक, इसीलिए कौटिल्य कहते हैं। और विष्णु इसका बचपन का नाम था, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य के तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। लेटर बुद्धिस्ट एंड जैना एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेरी वर्क। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो फाइव मेजर पॉलिटिकल सेंटर, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए, द सेम नेम, टैक्सिला, उज्जैनी, सुवर्णागिरी, तोसली, पाटलिपुत्रा। टैक्सिला उज्जैनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से जुड़े हुए थे, यानी इंटरनेशनल एब्रॉड ट्रेड से जुड़े हुए थे। सुवर्णागिरी गोल्डन माउंटेन, जहां सोने की इस भरमार बहुत ज्यादा थी, यहां से गोल्ड सप्लाई होता था मौर्यन एम्पायर को। कम्युनिकेशन लैंड और रिवर दोनों में होता था, रिवराइन रूट थोड़ा चीप था। इनके पास अपनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, ऑर्गेनाइज्ड बाय ए कमेटी एंड सिक्स सब कमेटीज, मेगास्थनीज ने बताया है। धम्मा होल्ड द, ये होलोड लिख गया, इट इज होल्ड, HOLD, होल्ड एम्पायर टुगेदर। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके पास पूछे गए थे। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ बेटा, ये लगभग आपके इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। डिफाइन ऑल सब कमेटीज ऑफ आर्मी, ठीक है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंग, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइन किंग। राइट ए नोन अबाउट प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति हरिषेण ने लिखी है, और गुप्त डायनेस्टी का बहुत ही पावरफुल राजा हुआ समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, तो उसकी प्रशंसा में, उसकी एडमायरेशन में ये प्रशस्ति प्रयाग में है, आज के इलाहाबाद में। तो इसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन, ब्रेक कर लीजिए शब्द को, दो नंबर में क्वेश्चन आएगा। ट्रांसफर ऑफ प्लांट, पैडी को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट लैंड ग्रांट्स, लैंड ग्रांट के बारे में आपको लिखना है कि जमीनें कैसे डोनेट की जाती थी, कहां से शुरू हुई, और क्या लेडीज को भी जमीन डोनेट करने के पावर थे। तो आपको मैंने बताया था प्रभावती गुप्ता और दांगुना विलेज के बारे में, कि प्रभावती गुप्ता ने पूरा एक गांव का गांव एक ब्राह्मण आचार्य चनाल स्वामी को डोनेशन में दे दिया था। तो उन घटनाओं का आप जिक्र इस आंसर में करेंगे। और इस तरह से ये समाप्त होता है, और आई होप कि आपको सेकेंड क्वेश्चन की वैल्यू समझ में आएगी। और अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे पांचवें चैप्टर की तरफ भी मूव करेंगे। थैंक्स ऑल, अगर समझ में कोई परेशानी होती है तो आप कृपया नोट्स कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।